पृथ्वी की भूगर्भीय उथल फुथल के कारण इस धरती पर समय समय पर कुछ रहस्यमयी और अचरज भरी घटनाएं होती रहती है। ऐसी ही एक घटना हाल ही टूशिनिया के रेगिस्तान में घटी, जहां वीरान पड़े रेगिस्तान में रातों रात एक विशाल झील बन गई। झील बनने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक भूकंपीय प्रक्रिया है। इसी गड़बड़ी या उथल पुथल के चलते जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ गया। बाकी पूरी हकीकत जांच के बाद ही सामने आएगी। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 1 हेक्टेयर से ज्यादा की दूरी में फैली इस झील का आकार लगभग 10 लाख घन मीटर हो सकता है। वहीं इसकी गहराई 10 से 18 मीटर तक हो सकती है। ये टूशिनिया के गापसा शहर में मौजूद है। यहाँ देश की माइनिंग इंडस्ट्री है और गापसा शहर फॉस्फेट माइन का सबसे बड़ा ठिकाना है। रेगिस्तान में इस तरह जमीन से पानी निकलने की यह इकलौती घटना नहीं है। सदियों से भूगर्भीय परिवर्तन के कारण ऐसे चमत्कार रेगिस्तान में होते आए हैं। इस प्रक्रिया में कुछ भूगर्भीय गतिविधियों के कारण जमीन की गहराइयों से पानी सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है और एक तालाब का रूप ले लेता है। ऐसे तालाब भूगर्भीय भाषा में गुएल्टा कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये कभी सूखते नहीं है। इनमें जमीन की सीमित मात्रा से जल निरंतर बाहर आता रहता है। ऐसी ही एक गुएल्टा विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा में भी स्थित है, जो एक गुएल्टा दि आचाई के नाम से प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों ने इस झील को लेक द गोफसा नाम दिया है। स्थानीय प्रशासन ने इसके पानी का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि वे इस झील का पानी जहरीला और सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब पानी निकला था तो पहले पारदर्शी नीले रंग का था और बाद में गहरे हरे रंग में बदल गया। हालांकि प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग इसके नज़दीक जा रहे हैं। वो यहाँ की चिलचिलाती गर्मी में झील का मजा लेने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं।